शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट ऑफ एरिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 18 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 17 अगस्त को पारसी न्यू ईयर के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, पारसी न्यू ईयर को ही नवरोज़ के नाम से भी जाना जाता है, पारसी न्यू ईयर को। तो दोस्तों, पारस के राजा जमशेद जी की याद में हर साल 17 अगस्त को पारसी न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। तो जमशेद जी ने पारसी कैलेंडर की स्थापना की थी, इसीलिए हर साल 17 अगस्त को पारसी न्यू ईयर के रूप में मनाया गया। तो पेरिस के लोग फारस के मूल निवासी है, उनका धर्म पारसी है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 17 अगस्त को पारसी न्यू ईयर के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दुनिया के सबसे ऊँचे चेनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। तो 13 अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ऊँचे चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जॉइंट उसके गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। तो जम्मू कश्मीर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को किया गया। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहली बार श्रीनगर को पूरे इंडिया के साथ जोड़ा जाएगा इसी चेनाब रेलवे ब्रिज के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज ओवर चिनाब रिवर है दोस्तों। यह 35 मीटर ऊंचा है आईफिल टावर से, और टेकला सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है दोस्तों 13 अगस्त 2022 को, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित दुनिया के सबसे ऊँचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। यह अभी जल्द ही पूरे रूप से बनाया जाएगा और वह बन जाएगा दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज ओवर चिनाब रिवर दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, SBI इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक फिक्स डिपॉजिट स्कीम विच इज़ कॉल्ड एज उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम। और दोस्तों, इस स्कीम में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर SBI ने उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया गया, और बैंक 1000 दिनों के कार्यकाल के फिक्स डिपॉजिट के लिए 6.10% प्रतिवर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट पेश करेगी, और सीनियर सिटीजन्स के लिए और 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। तो 15 अगस्त 2022 से शुरू होगा यह उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम, और 75 दिनों के लिए लागू रहेगा यह स्कीम दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक क्रिमा नामक लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया गया। तो लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट, जिसका नाम कोटक क्रिम रखा गया है, उसे हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, MNCs, रिटेल्स, लॉ फर्म्स और यूनिकॉर्न कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को एक अपग्रेडेड बैंकिंग एक्सपीरियंस देने के लिए हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक क्रिम नामक लाइफ स्टाइल फोकस कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया। तो लाइफ स्टाइल, ट्रैवल, हेल्थ केयर, डाइनिंग, स्किलिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए भी यह अकाउंट में रिवॉर्ड्स भी दिया जाएगा, और इस अकाउंट होल्डर्स को एक जेन क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलेगा, और अमेजोन किंडल और डिज्नी हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन भी दिए जाएंगे, और फार्मेसी और क्योरफिट कंपनी के भी सब्सक्रिप्शन दिए जाएंगे दोस्तों इसमें। तो दोस्तों, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक क्रीम नामक लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में लंदन में स्थित दादा भाई नवरोजी जी के घर को ब्लू फ्लैग ऑनर मिला, सम्मान मिला। तो दोस्तों, हाल ही में लंदन में स्थित दादा भाई नवरोजी जी के घर को ब्लू फ्लैग ऑनर मिला है। तो दोस्तों, यह सम्मान नोटेबल पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने लंदन में काम किया और वो लंदन में रहे, उनको दिया जाता है यह ब्लू फ्लैग ऑनर दोस्तों। और लंदन होम ऑफ दादा भाई नवरोजी गेट्स ब्लू फ्लैग ऑनर। तो दादा भाई जी पहले एशियन थे जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन में चुना गया था। तो इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी यह सम्मान हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग अक्रॉस लंदन को देती है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे दोस्तों दादा भाई नवरोजी। और दोस्तों, उनके इस रेड ब्रिक हाउस को दादा भाई नवरोजी 1825 से 1917 इंडियन नेशनलिस्ट एंड MP लिव्ड हियर, ऐसा ब्लू फ्लैग दिया गया। और दोस्तों, यह ब्लू फ्लैग मिलने वाले वह चुनिंदा भारतीयों में से एक है। उनके पहले राजा राम मोहन रॉय जी, महात्मा गांधी जी को, श्री औरोबिंदो जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को
यह ब्लू फ्लैग सम्मान दिया जा चुका है। तो दोस्तों हाल ही में लंदन में स्थित दादा भाई नौरोजी जी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 11 नए जजेस की अपॉइंटमेंट कर दी। तो दोस्तों यह 11 न्यू जजेस की अपॉइंटमेंट में निधि गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेश मनुजा, अमन चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बुंगर, जगमोहन बंसल, दीपक मनचंदा और आलोक जैन, इन 11 जजेस की नियुक्ति की जा चुकी है दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। और दोस्तों अभी करेंटली 46 जजेस है दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत, और इनमें से 12 जजेस रिटायर्ड हो जाएंगे अगले 2 साल में। तो दोस्तों इसी तरह से अभी 11 जजेस के ऐड होने के बाद 57 जजेस आर ऑपरेटिंग इन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। दोस्तों तो 13 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 नए हाईकोर्ट जजेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, गुवाहाटी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपॉइंट किया गया है। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 11 नए जजेस की अपॉइंटमेंट कर दी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साइमन स्टिल जी को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में नियुक्त किया गया। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी ने साइमन स्टिल जी को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो दोस्तों ब्यूरो ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा साइमन स्टिल जी को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियस गुटेरेस जी द्वारा न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के रूप में नियुक्त किया गया। तो ग्रेनेडा के सीनियर मिनिस्टर साइमन स्टिल जी को अभी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों और दोस्तों इससे पहले 5 साल के लिए मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट रिसेलेंस और एनवायरमेंट संभाली है दोस्तों साइमन जी ने। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड द एनवायरमेंट भी संभाल चुके हैं दोस्तों साइमन स्टिल जी। तो दोस्तों हाल ही में साइमन स्टिल जी को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में विलियम रूटो जी को केनिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तो दोस्तों प्रेसिडेंट चुनाव में यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट के आने के बाद विलियम रूटो जी को केनिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तो राइला ओडिंगा जी को हराकर विलियम रूटो जी अभी केनिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों तो रूटो रिसीव्ड 50.49% ऑफ द वोट वाइल ओडिंगा रिसीव्ड 48.85% ऑफ द वोट्स। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में विलियम रूटो जी को नैरोबी जिसकी राजधानी है, शिलिंग जिसकी करेंसी है, वह देश केनिया के प्रेसिडेंट, केनिया के राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो जी को चुना गया है दोस्तों आफ्टर द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। तो दोस्तों IIT हैदराबाद के साइंटिस्ट LV प्रसाद, आई इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन तीनों ने मिलकर भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। और दोस्तों इस 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को रैबिट के आँख पर स्थित कर यानी कि रैबिट के आँख पर प्लेस कर इसकी जांच की गई। तो ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यूज़ की मदद से बनाया गया भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया दोस्तों, जो कि हैदराबाद में विकसित किया गया। और यह कम्प्लीटली नेचुरल, फ्री ऑफ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स और सेफ फॉर पेशेंट्स टू यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन ने पहले कोरोना बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों UK बिकम्स फर्स्ट नेशन टू अप्रूव मॉडर्ना कोविड बूस्टर वैक्सीनेशन। तो COVID-19 और मोर रिसेंट ओमिक्रॉन वर्जन्स पर लाभदायी है दोस्तों यह मॉडर्ना कोविड बूस्टर वैक्सीन। तो दोस्तों इस वैक्सीन को मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों इस कोरोना बूस्टर वैक्सीन को ब्रिटेन में शार्पन्ड इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन ने पहले कोरोना बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हुआ। तो दोस्तों बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट्स के नाम से जाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी का हाल ही में निधन हुआ। तो 62 वर्ष की आयु में वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी की नेटवर्थ $5.8 बिलियन है, जो कि 48वें रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का
अलिमेनी धनुआ, उनको बिग बुल ऑफ इंडिया भी कहा जा चुका है। तो दोस्तों अलिमे वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया और बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट्स के नाम से जाने जाने वाले 62 वर्ष की आयु में राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अली में इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट उमा पेमा राजू जी का निधन हुआ। तो 64 वर्ष की आयु में इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट उमा पेमा राजू जी का निधन हुआ। वह फॉक्स रिपोर्ट, फॉक्स न्यूज़ लाइव, फॉक्स न्यूज़ नाउ, फॉक्स ऑन ट्रेंड्स का इन सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रह चुकी है दोस्तों इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट उमा पेमा राजू। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट उमा पेमा राजू जी का निधन हुआ। तो दोस्तों यह थे 18 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसके एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 17 अगस्त को पारसी न्यू ईयर के रूप में मनाया गया और हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया 13 अगस्त 2022 को। और हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव नामक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया गया। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक क्रीम नामक लाइफस्टाइल फोकस कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया गया। हाल ही में लंदन में स्थित दादा भाई नवरोजी जी के घर को ब्लू प्लैक ऑनर दिया गया। और हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 11 नए हाईकोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कर दी। हाल ही में साइमन स्टील जी को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में विलियम रूटो जी को केनिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। हाल ही में ब्रिटेन ने पहले कोरोना बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी दे दी। हाल ही में वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हुआ। हाल ही में इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट उमा पेमा राजू जी का निधन हुआ। दोस्तों तो दोस्तों यह थे 18 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज। दोस्तों जय भोले।